जी चड्ढा साहब, हाँ जी, नहीं, मैं उससे बात कर लूँगी और वो कल ज़रूर आएगा। जी श्योर, एंड थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। मैंने कहा क्या बात है, किससे इतना शुक्रिया शुक्रिया कहा जा रहा था अदाओं से? अभी शुक्रिया कहाँ अदा किया है, एक बार काम हो जाए तो दिल से दुआ जरूर करूंगी। मैं कुछ समझा नहीं। तुम कुछ ना ही समझो तो ही बेहतर है। मतलब ये कि तुम कुछ ना कुछ अड़ंगा जरूर डाल देते हो। तो मुझे इतना बुरा समझती हो यार, यू थिंक आई एम सो टॉक्सिक? नो नो, यू नॉट टॉक्सिक, उतना बुरा भी नहीं समझती हूँ, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हो। अनु, मैंने अपना रवैया चेंज कर दिया, आई एम अ चेंज पर्सन नाउ, सीरियसली। तो साफ साफ सुन लो, मैं ही बता देती हूँ। आओ, कल तुम्हें एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है? जी हाँ, तुम्हें जाना है। मेरे एक स्टूडेंट के फादर हैं मिस्टर चड्ढा, उनकी काफ़ी बड़ी कंपनीज है, चड्ढा ट्रांसपोर्ट, चड्ढा रेस्टोरेंट एंड बार, तुम्हें वहाँ जाना है। किस चीज़ का जॉब है? वेटर का, वॉचमैन का या ट्रक ड्राइवर का? देखा देखा, मैंने कहा था ना तुम कुछ ना कुछ घटिया बात जरूर करोगे। लेकिन बेबी मेरी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हें कल वहाँ जाना है और वो जॉब हासिल करनी है, नहीं तो नहीं तो क्या? नहीं तो तुम इस घर में नहीं रहोगे। तुम और तुम्हारे चाचा जी अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना और अपने तशरीफ का टोकरा उठाकर यहाँ से निकल लेना। तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो अनु, कि मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा और ये जॉब हासिल करके रहूंगा। वो तो जॉब मिलने के बाद ही पता चलेगा। यस यस मिस्टर पटेल, व्हेन यू आर कमिंग टू इंडिया? ओ, ओनली इन दिस मंथ, इन 2-3 डेज? यस यस, आई एम एट होम, यू आर मोस्ट वेलकम। जी, आवर अंडर गारमेंट्स आर वेरी स्ट्रांग इन होल कानपुर। यू कैन ब्लास्ट बट आवर अंडर गारमेंट कांट ब्लास्ट। प्लीज कम सर एंड विजिट माई कच्छा बनियान शोरूम एट द अर्लीस्ट, योर्स ओबिडेंटली। थैंक यू। आइडिया लड्डू के भैया का का अंग्रेजी बोले रहे, हमरे पति देवता मान गए आपको सच्ची। ई बात पे ये आइसक्रीम खाई है। पगली क्या है ना, अब हमारा तो धंधा ही ऐसा है, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, देशी विदेशी लोगों के साथ डील करना पड़ता है, तो अंग्रेजी तो आनी चाहिए ना। हाँ हाँ, आना चाहिए ना। तो अब कहीं विदेश से करंट आने वाले हैं? करंट तो तुम हमें लगवाओगी, वो क्लाइंट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। कहे कि लंदन से एक तो पार्टी आ रही है, उसने हमारे कच्छे बनियान में इंटरेस्ट दिखाया है। आइडिया, आपके कच्छे बनियान में? खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया, बिजनेस डील है। अच्छी बात, अच्छा बात है ना, कितना खुशी का बात है, ये बहाने हम भी लंदन घूम लेंगे। देखो पगली, हमारी तुमसे एक तो विनती है। हाँ हाँ, बोलिए ना, आज्ञा दीजिए हमको। पगली, जो लंदन से पार्टी आ रही है ना, तुम इनके सामने मत आना। ये का है? देखो पगली, ये जो पार्टी आ रही है, भले ही ये इंडियन है, लेकिन अब ये विदेश में है तो ये पूरी तरह से अंग्रेज है। अब तुम इनके सामने अपनी अंग्रेजी झाड़ोगी तो तो बहुत ही खुश हो जाएंगे कि देखो ये महिला को कानपुर में रहकर भी कितना अच्छा अंग्रेजी बोलती है। अच्छी अंग्रेजी बोलोगी तब ना अच्छा लगेगा, तुम्हारी अंग्रेजी सुन के तो लगता अपना सर फोड़ ले। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही कड़वा सत्य है जिसे तुम कभी स्वीकार नहीं करोगी, लेकिन यही सत्य है। और देखिए लड्डू के भैया, आप हमको डीमोनेटाइज कर रहे हैं। डीमोनेटाइज तो हम हो जाएंगे पगली, शायद तुम डीमरलाइज कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। देखा देखा, तुमने प्रूव कर दिया ना कि तुम्हारी अंग्रेजी कैसी है। अब तो का अंग्रेज गलत अंग्रेजी ना ही बोलते हैं, हम बोल दिए तो का प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ पगली, तुम्हारी अंग्रेजी तो एकदम मार्बल की तरह चिकनी है। वो मार्बलस होता है। अरे अरे सुनो पगली, बैठो। क्या पगली, तुम बिना देखो पगली, कहा है कि ये डील हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पगली, हम नहीं चाहते कि अंग्रेजी के चक्कर में जो है ये डील कैंसिल हो जाए, इसलिए तुम मीटिंग में बैठना जरूर, लेकिन शांत रहना, चुप रहना,
एकदम मौन धारण किए रहना। अरे 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 आइसक्रीम तो देती जाओ पगली। May I come in, sir? Come in. Have a seat. Thank you, sir. Sir, ये मेरी degrees and diplomas हैं. Just have a look. Oh my God! इतने सारे degree diploma? मैं इन्हें तो एक दिन में भी नहीं पढ़ पाऊंगा. पूरे 20 साल लग जाएंगे. You have a great sense of humor, sir. Mr. Misra. जी जी. आप अव्वल दर्जे के चाटुकार हैं. No, don't take me wrong. This is better. हमें अव्वल दर्जे के चाटुकार लोगों की जरूरत थी, जो आप हैं. समझिए ये नौकरी आपकी हुई. And do you know, हमारे यहाँ चाटुकार लोगों की पेमेंट ज्यादा होती है. That's great. पूरे 50,000 रुपए. I need this job, sir. मुझे ये जॉब की सख्त जरूरत है, sir. I need this, sir. मैं नंबर वन चाटुकार बनकर दिखाऊंगा सर. आई विल बी आई एम अ बॉर्न चाटुकार सर. आप ट्राई करिए सर मुझे. प्लीज गिव इट अ शॉट. हाय अंकल. क्या बात है अंकल, आप तो काफी जवान लग रहे हैं. ऑफ कोर्स ही इज लुकिंग क्वाइट यंग. तुम हरिया के बेटे हो? आपको पता है इनके पिताजी हमारी कंपनी में बहुत बड़े चाटुकार थे. सर पापा ने कहा है ये जॉब मुझे दे दीजिए ना. नहीं. अरे वाह अंकल, क्या घड़ी है. कसम से ब्रांड्स को लेकर जो आपका टेस्ट है ना, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ. फैन, बिग फैन अंकल, बिग फैन. बेटा तुम्हारी नौकरी पक्की हुई. जाओ, जाकर काम पर लग जाओ. और सैलरी 60,000 रुपए. थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच. बाय. लेकिन सर ये नौकरी तो आप मुझे देने वाले थे ना, चाटुकार की नौकरी. आपको पता है कि इनके पिताजी हमारी कंपनी में बहुत बड़े चाटुकार थे, तो ये नौकरी मैं इसको दूं या फिर आपको दूं? लेकिन सर मेरी डिग्री एंड डिप्लोमा. मैं ये डिग्री डिप्लोमा रखकर चाटूं क्या? Oh, no, oh, no. जाओ इन्हें बाहर ले जाकर फेंक दो. सर माइंड योर लैंग्वेज, आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरे डिग्री एंड डिप्लोमा का. मैंने तो अभी डिग्री डिप्लोमा का ही मजाक उड़ाया है. अगर यहाँ से नहीं गए तो बाहर धक्के मारकर निकाल दूंगा. इसे चड्ढा, बिहेव योरसेल्फ. चाटुकार तालाल, कम इन. जाओ इसे ले जाकर बाहर फेंक दो और बाहर जाकर भीख मांगो. निकलो, चलो. अब नजर मत आइए इधर, है ना. निकल ले. डिप्लोमा ले जाकर जलाकर फेंक दो बाहर और जाकर भीख मांगो. मिस्टर तिवारी, यू आर अ फैंटास्टिक पर्सन. Thank you, Mr. Patel. Mr. Tiwari, don't mind. Since I came here, I'm noticing something very strange. Your wife isn't speaking anything. Even you didn't introduce her to me. Sorry, sir. She is Anguri Manmohan Tiwari, my better half. Oh, nice to meet you. By the way, she's a beautiful lady. Bhavi ji, if you don't mind, can I ask your qualification, please? She is very educated. Honors in English, honor in history, honors in geography, your honor. Oh, it's really an honor to know that. So, Bhavi ji, do you have any interest in geopolitics too? She hates politics. Okay. Since you mentioned that she is very highly educated, so I thought she might be interested in geopolitics too.
Can I take my call, sir? Yeah, sure, why not? Please take your time. Ji. Hello. हाय दिया, ये हमारी तरफ ऐसे घूर घूर कर काहे देख रहे हैं? संगोरी भाभी, टेल मी वन थिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट करप्शन? यस यस, बी डूइंग एवरी डे करप्शन. Sometimes लड्डू के भैया do corruption. Sometimes हम doing corruption. In fact, अम्मा जी is also doing corruption. Oh my God, Anguri Bhabhi, you mean to say that your whole family is doing corruption? Yes, yes, सही पकड़े हैं. Our family doing corruption in whole. Sorry, sir, sorry. Even I'm sorry, man. Ji, why you are sorry? I don't want to do any business with the corrupt people like you. ये क्या कह रहे हैं सर? Your wife just mentioned that your entire family is corrupt. नहीं, सही पकड़े हैं. You won't believe? I'm going to ask her in front of you. So, Bhavi ji, please tell me, is your husband doing corruption? Yes, we doing corruption daily. He's doing सबसे ज़्यादा corruption. Shut up, Mr. Tiwari. I don't want to do any kind of business with a filthy, corrupt person like you. You wasted my time. You wasted my energy. Don't you ever dare to call me again. You understand that? हो गई तसल्ली, पड़ गई कलेजे में ठंडक, बोल के अंग्रेजी बन गई अंग्रेजन, कर दिया धंधे का मुंडन. ओ हम क्या करें, हम तो उनको ही बोल रहे थे कि आप हम और अम्मा जी जो है रोज उत्पादन करते हैं. तो तुम प्रोडक्शन कहना चाह रही थी? ऐसे ही पकड़े हैं. अबे साले, ऐसे क्या आंख चमका रही है, हैं? ये सारे नोट तेरे हैं, तेरे मेरे? हाँ बे, यहाँ सुबह से शाम हो गई, सिर्फ अठन्नी चवन्नी की ही शक्ल देखी है, और एक तो कमबख्त मारे 3 घंटे से पड़ा है, और सारे लोग तुझे इतना सारा नोट देके चले गए, ऐसा क्या है तुझमें? ऐसा बड़े तुम चाय पी लेना, सुनो दो समोसे भी खा लेना, ये लो. हो गई तसल्ली, पड़ गई कलेजे में ठंडक, बोल के अंग्रेजी बन गई अंग्रेजन, कर दिया धंधे का मुंडन. हमको बहुत ही बुरा लग रहा है, हम लड्डू के भैया को बहुत नुकसान कर दिए सच्ची. वाह पगली वाह, बड़े ही दूजे किस्म की औरत हो तुम.
हमारा इतना बड़ा नुकसान करने के बाद भी चैन की नींद सो रही हो? अरे हमें तो शर्म से नींद भी ना आती, लेकिन तुम खर्राटे लेके सो रही हो। बस कीजिए अब आप। कहीं कितना कितना बेइज्जती करेंगे हमरा का। पहली बार आपका कोनो डेविल कैंसिल हुआ है। डेविल तो तुम हो हमारे लिए। तो डील होता है डील, और ये डील हमारे लिए बहुत काम की डील थी। हाँ तो सजा दे दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए हमको। हम तो नीलिमा अजीम किए है ना। अरे तेरा तो शाहिद के अम्मा पे काहे पहुंच गई, वो गुनाह अजीम होता है। ऐसा ही पकड़े हैं, चढ़ा दीजिए फांसी पर। अरे हम क्या फांसी पर चढ़ाए, फांसी पर तो तुमने हमें चढ़ा दिया है। हमारी बरसों की बनाई इज्जत के शीशे पर तुमने एक हेयरलाइन स्क्रैच बना दिया है। अब धीरे धीरे ये स्क्रैच इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारे इज्जत के शीशे की धज्जियां उड़ जाएंगी। हाँ, और इस सब का जिम्मेदार हम है, है ना? तो किसको ठहराए? मां साहब को ठहराए? टीका टिल्लू को ठहराए? सारा कांड तो तुम ही ने किया है, तो जिम्मेदार भी तुम ही को ठहराएंगे ना। ऐसे कैसे जिम्मेदार है, हम चुपचाप बैठे थे, वो हमसे आगे होकर बात की, और आपका इज्जत बचाने के लिए हम उनसे बात किए रहे, जवाब दिए रहे। अगर वो तुमसे बात कर रहे थे तो तुमसे चुप नहीं रह सकती थी, काहे बोली? फिर आप ही हमको डांटते ना कि तुमका ऐसे गेस्टों के साथ व्यवहार करती हो। वो हमसे बात किए रहे तो हम जवाब तो देंगे ना, ना ही तो आप बोलते तुम हमरा बेइज्जती कर दी। हम ऐसा कभी भी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारे चुप रहने में हमारा फायदा है। हमरा आवाज इतना बुरा है का? तुम्हारी आवाज बुरी नहीं है, लेकिन तुम बड़ा मरत हो, एक नंबर की बड़ा मरत। हाँ मिस्टर चड्ढा, नहीं मैं ये पूछ रही थी कि विभो कितने बजे निकला था आपके ऑफिस से? व्हाट, आपने आधे घंटे में ही उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था? बट व्हाई, माय हस्बैंड इज अ ब्रिलियंट मैन। ओके, नहीं फिर तो आपने ठीक ही किया। ओके, आई एम सॉरी। गॉड, एक बार कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, चांद से आग बरस सकती है, सूरज से बर्फ निकल सकती है, लेकिन ये आदमी कभी जॉब नहीं कर सकता। आगे। कौन सा तीर मार के आए हो? तीर मारने नहीं गया था, नौकरी के लिए गया था। ओ, मिल गई नौकरी? मिल गई नौकरी? मिली गई थी। रचाना को चंडा के दोस्त का लौंडा आ गया, उसने नौकरी मुझसे छीन के उस लौंडे को थमा दी। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने मिस्टर चड्ढा के साथ बदतमीजी की, बस जुबानी की। मैंने चड्ढा के साथ बदतमीजी की, बस जुबानी की? जब उसने नौकरी मुझसे छीन के उस लौंडे को दे दी तो मैंने रिएक्ट किया, और मेरी जगह कोई भी होता वो भी रिएक्ट करता जैसे मैंने रिएक्ट किया है। You are lying. मतलब तुम चड्ढा की बात पे यकीन कर सकते हो, लेकिन मेरी बात पे नहीं। जी हाँ, मैं उस पर ज्यादा यकीन करूंगी, और तुमसे तो बहुत ज्यादा। अरे मेरे कहने पर तुमको बुलाकर नौकरी देने को राजी हो गया था, तुमने तो मेरी भी इंसल्ट करवा दी वहाँ पे। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो, मैंने किसी की कोई इंसल्ट नहीं करवाई है। हाँ, तुम तो बहुत भोले भाले हो, सीधे साधे हो, कहाँ कभी किसी से कुछ भी कहते हो। देखो मेरा उसूल है जिंदगी में, जब तक सामने वाली पार्टी बदतमीजी ना करे मैं बदतमीजी नहीं करता। अगर सामने वाली पार्टी बदतमीजी करेगी तो मुझे बदतमीजी पे उतरना पड़ेगा। तुम्हें उतरने की जरूरत नहीं है, तुम पैदाइशी हो। अब क्या करोगे तुम? अब ना तुम अपना और अपने चाचा जी का इंतजाम कहीं और कर लो। अनु, एक्चुअली मैं ना एक नया बिजनेस, एक नया स्टार्टअप शुरू करने वाला हूँ। रियली? या तुमसे उठकर दरवाजा तो खोला नहीं जाता है। बिजनेस क्या खाक करोगे? आई एम सीरियस अनु। बट आई एम नॉट सीरियस। लाइफ में बहुत बार सीरियस होके ना बहुत बार डिसअपॉइंट भी हुई हूँ तुमसे। मेरी बात तो सुन लो एक बार यार। मुझे कुछ नहीं सुनना है बेबो, यू लिसन टू मी। मुझे महीने के 20,000 दे देना तुम्हारे और तुम्हारे चाचा जी के खर्चे के लिए, बाकी तुम्हें जो करना है लाइफ में वो करो, आई डोंट केयर। गेट इट? या मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगा। यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, आई डोंट केयर। हेलो आर बहुरिया,
कैसन बा? हम ठीक नहीं बा अम्मा जी। हैं? काहे का हुआ? ओ अम्मा जी देखिए ना लड़की भैया हमरे बहुत बहुत बेइज्जती किए रे। Our family doing corruption in whole. I don't want to do any business with the corrupt people like you. पड़ गई कलेजे में ठंडक, कर दिया धंधे का मुंडन। वो बैल का इतना हिम्मत? अरे तुम तो बैल का बहुत बड़ा इज्जत हो और वो तुमको बेइज्जती बोल रहा है। हाँ अम्मा जी। देखो बहुरिया, तुमको हमरा कसम है ये बेइज्जती का तुमको बदला लेना ही पड़ेगा। तुम जो है वो बैल का इतना बेइज्जती करो, इतना बेइज्जती करो जितना कि उसका जिंदगी में किसी ने नहीं किया होगा। ठीक बाबा जी, प्रणाम कर रहे हैं। आ!